सो राइट नाउ आई एम ड्राइविंग द MG कॉमेट EV, जिसको मैं कम से कम हफ्ते से ड्राइव कर रहा हूँ, और आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। आज मैं अच्छे से इसको आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये रिव्यू थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि देखा जाए तो गाड़ी में बहुत कुछ है बताने के लिए। गाड़ी वैसे ही बहुत ज़्यादा क्वर्की है, और गाड़ी के जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है, जो EV पावर ट्रेन है, उसमें उसके बारे में भी बात करने के लिए काफ़ी कुछ है मेरे लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम EV बायर हैं, तो क्या ये आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आपको मैं सब कुछ इस वीडियो में सम अप करके बताऊंगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए। पहली अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इसके इंटीरियर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो शायद कोई और आपको नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके हीटिंग और कूलिंग कंट्रोल्स हैं, HVAC कंट्रोल्स जिनको कहते हैं, वो इसके टच स्क्रीन में ही इंटीग्रेट किए गए हैं। तो टच स्क्रीन वैसे तो बहुत क्रिस्प है दिखने में, दोनों ही देखा जाए तो इसके ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के एज़ वेल एज़ द टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट। लेकिन यहाँ पे आपको स्विचेस दिए गए हैं HVAC के लिए, लेकिन आप यहाँ से हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपको स्पीड वगैरह कंट्रोल करनी हो, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है यहाँ से यूज़ करना। तो इसके लिए उन्होंने पूरे कंट्रोल यहाँ पे टच स्क्रीन में दे दिए। जैसे आपको डायरेक्शन चेंज करनी है AC के ब्लोअर की, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको AC ऑन करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑफ़ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख जाएगी कि कहाँ कहाँ पे फ्लो जा रहा है। जैसे मैंने अभी चेंज कर दिया, तो फ्लो अभी सिर्फ मेरे सामने मेरे फेस पे आ रहा है। यहाँ पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, हाई पे रखना है या फिर आपको AC पे रखना है। हाई पे आपको ऑफकोर्स हॉट रहेगा, और यहाँ पे आप ब्लोअर की स्पीड, फ़ैन की जो स्पीड है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ मुझे जो बहुत ख़राब लगी इसकी टच स्क्रीन के बारे में, वो है कि सारे बटन्स वगैरह, सारे स्विचेस इसके टच स्क्रीन में ही दे दिए गए हैं। तो टच स्क्रीन में आपको क्या क्या मिल जाता है? AC कंट्रोल्स मैंने आपको दिखा दिए, टच स्क्रीन से आपको एक्सेस करने पड़ेंगे। व्हीकल सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स देख सकते हैं कि फॉलो मी होम वगैरह की, लैम्प लॉक कितनी देर में खुल, अप्रोच अनलॉक अगर आपको करना है नहीं करना है, स्टेयरिंग व्हील का आपको जो फंक्शन है, जो बटन्स हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कुछ बटन्स। वाइपर का, वाइपर मेंटेनेंस के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे, और ट्रिप भी रीसेट करनी है तो आपको ये जैसे ट्रिप दिखा रहा है अभी, वो मैं इसको कहीं और से यहाँ से रीसेट नहीं कर सकता, यहाँ कोई स्विच नहीं है, मेरे को यहीं से जाके रीसेट करनी पड़ेगी, तो वो बहुत बड़ा हैसल हो जाएगा। इसके अलावा ड्राइविंग असिस्टेंट में जाते हैं तो आप मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल इको स्पोर्ट्स, मैंने इको में रखी हुई है, वैसे इको और स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं इस स्विच से, लेकिन यहाँ पर भी वो ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा एनर्जी रिकवरी, अगर आप ब्रेक रीजनरेशन मोड देखते हैं, वो आप सिर्फ यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। हैवी, नॉर्मल, लाइट तीन मोड दिए गए हैं। मैं प्रेफर करता हूँ हैवी पर ड्राइव करना इसे, तो ये अगर स्विच कहीं दिया गया होता तो बेटर रहता मेरे हिसाब से, बट ठीक है यहाँ पे दिया गया। मैक्सिमम स्पीड आप सेट कर सकते हैं, और एन गियर एंटी टच, अगर आप गलती से इसको एन में ना डाल दें चलते हुए, ड्राइव करते हुए, इसके लिए ये मोड दिया गया है। तो इसके अलावा टच स्क्रीन अगर मैं बात करूँ तो रिस्पॉन्सिव है, और जैसे मैंने बताया ग्राफिक्स भी अच्छे हैं और कनेक्टेड फीचर्स भी हैं, बट मैं पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व करता अपने आप को इन टेक फीचर्स में। मेरे को बहुत सिंपल लेआउट पसंद है, मेरे को इतनी बड़ी टच स्क्रीन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक पावर का मोड, पावर डिलीवरी मोड दिख जाता है। इसके अलावा ट्रिप और मीटर की जो स्पीड है, इंजन किस RPM पे रन कर रहा है, सॉरी इंजन नहीं, आई मीन इलेक्ट्रिक मोटर किस RPM पे रन कर रही है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। इको मोड जैसे मैंने कर रखा है तो यहाँ पे मोड आएगा, अगर मैं इसे नॉर्मल में करता हूँ, और ये स्पोर्ट्स में। तो इसके अलावा इंटीरियर में अगर बात करूँ आपको, तो इसमें स्टोरेज स्पेस मेरे को बहुत अच्छी लगी। स्टोरेज स्पेस यहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिल जाता है स्टेयरिंग के पीछे, जो कि आप AC अगर ऑन करते हैं, कुछ आपको ठंडा करने के लिए यहाँ पे रखना है, आप कैन वगैरह भी रख सकते हैं। स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है, एक कप होल्डर, यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टोरेज दी गई है। जैसे आप फ़ोन वॉलेट वगैरह रखते हैं, एक स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाएगी, एक स्टोरेज यहाँ मिल जाएगी, दोनों साइड पर आपको यहाँ पर बहुत ही बड़े बॉटल होल्डर मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्टोरेज दी गई है। सेंट्रल टनल में कोई स्टोरेज नहीं है देखा जाए तो, बट जैसे कि यहाँ पर आप जानते हैं कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरेज है। अगर आपको सामान वगैरह रखना है, तो जैसे कि गाड़ी में बूट नहीं है, तो आप यहाँ पे बहुत सारा सामान इजीली रख सकते हैं। अगर आप सिंगल ड्राइवर हैं तो इजीली आप इतना पैकेट, कम से कम 4-5 बड़े बैग्स आप यहाँ पे पैकेट्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने दो हुक दिए हैं चार्जर के साइड में, जिनको आप ऐसे बंद कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ हैंग करना हो तो आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, वो इसीलिए है ताकि आप यहाँ पे सामान रख सकें। इंटीरियर में इसके अलावा मैं आपको एक बार
इसका रियर सीट का एक्सपीरियंस भी दिखा देता हूँ। रियर सीट आप एक्सेस कैसे करेंगे? तो रियर सीट एक्सेस करने के लिए आप इस साइड आएंगे, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पे लीवर दिया गया है, इसको आप एक हाथ से ऐसे करेंगे, उसके बाद ये आगे स्लाइड हो जाएगी इसी हाथ से। ये रियर सीट है, रियर सीट पे मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको कितनी जगह मेरे पास बचती है। तो मैं रियर सीट पे पर्सनली खुद बैठ चुका हूँ। मेरी हाइट है 5'11" और अंडर थाई सपोर्ट मेरे पास शायद इतना नहीं है, लेकिन जो ये विंडो है, विंडो का साइज़ थोड़ा बड़ा किया गया है, थोड़ी एक्सटेंडेड है, तो मेरे को इतनी ज़्यादा क्रैम्ड इन वाली फीलिंग, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं हो रहा है। बट ज़्यादा लॉन्ग जर्नीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो सीट्स हैं यहाँ पे हेडरेस्ट का कटआउट नहीं दिया गया, तो ये सीट्स बहुत ज़्यादा ही बहुत लंबी हैं, बहुत ऊंची हैं, तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को आगे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर यहाँ पे यही कटआउट दिया होता तो मैं इसका हेडरेस्ट एडजस्ट करके थोड़ी और अपनी विजिबिलिटी बेटर कर सकता था। बट ओवरऑल आप विंडोज़ देख सकते हैं, पीछे वाली जो विंडोज़ हैं वो काफ़ी लंबी हैं, तो एरी फीलिंग तो आती है। अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो मेरे पास जस्ट अबाउट इनफ लेग रूम है। हेड रूम मेरे पास अभी भी काफ़ी है, मेरे से ज़्यादा लंबा बंदा भी अगर कोई हुआ, 6'2" का भी हुआ मेरे ख्याल से, वो भी यहाँ पे फिट हो पाएगा, लॉन्ग जर्नीज़ के लिए नहीं बट शॉर्ट जर्नीज़ के लिए, सिटी ड्राइविंग के लिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस गाड़ी के बारे में, ये गाड़ी सिटी ड्राइविंग के लिए ही है। अगर आप हाईवे पे चलाना चाहते हैं ये गाड़ी, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए सेंस नहीं बनाती है। अगर आप सिटी यूसेज के लिए गाड़ी देख रहे हैं तो उस हिसाब से गाड़ी देखा जाए तो बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिक रेंज वगैरह की, मैं इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की बातें मैं सारी एंड में करूँगा, अगर मैं आपको एक बार ये गाड़ी बाहर से दिखा देता हूँ। तो बाहर से कुछ ऐसी दिखती है, टू डोर है, रियर व्हील ड्राइव है, 12 इंच के टायर हैं, थोड़े छोटे हैं देखा जाए तो, LED लाइटिंग आपको मिल जाती है, कॉमेट की बैजिंग पीछे है, और ये स्पेशल गेम एडिशन है इसका, वैसे इसमें कुछ फ़र्क है नहीं, और टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, 10 लाख एक शोरूम इसका प्राइस है। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, क्रोम डोर हैंडल्स हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर्स हैं जो कि फोल्ड नहीं होते हैं, फोल्ड आपको मैन्युअली ही करने पड़ते हैं। चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये छोटा सा बोनट है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं वॉशर फ्लूइड वगैरह के लिए, वैसे उसके अलावा यहाँ पे कोई स्टोरेज वगैरह नहीं है। एक बार मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ, तो बूट स्पेस अगर देखा जाए, अगर आप सीट्स को आप ऊपर करके यूज़ कर रहे हैं तो बूट स्पेस इतना है कि यहाँ पे एक बैग, शायद आपका लैपटॉप बैग वगैरह ही आ सके। अभी ये चार्जिंग केबल पड़ी है, चार्जिंग केबल का बैग ये है, तो ये चार्जिंग केबल के जितना ही इसमें स्टोरेज है, लेकिन आप सीट्स को बहुत ईजीली फोल्ड कर सकते हैं तो ये फ्लैट स्टोरेज हो जाएगी। अगर आप दो यूज़र्स हैं तो आप यहाँ पर सामान ले जाके वीकेंड ट्रिप वगैरह भी ईजीली कर सकते हैं। इनको हम वापस उठा देते हैं, सीट्स को, बहुत इजी है जैसा आप देख रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको एक बार लाइटिंग भी दिखा देता हूँ इस गाड़ी की, तो ये इसकी रियर LED लाइट है जो मैंने ऑन कर दी है, ब्रेक लाइट अभी ऑन नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ पे एक नीचे रियर फॉग लाइट दिया गया है, वो भी मैंने ऑन कर दिया है। फ्रंट में भी एक LED DRL है जो आप सिर्फ अकेला भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा LED हेडलैम्प्स हैं, इनका थ्रो मैं आपको रात को विजिबिलिटी दिखा दूंगा कितना अच्छा थ्रो है, हाई बीम और लो बीम दोनों में। मैं रात को वीडियो बना रहा हूं तो मेरे लिए इजी होगा आपको हेडलाइट का थ्रो दिखाने के लिए। LED हेडलाइट्स हैं इसमें, फॉग लैम्प्स अवेलेबल नहीं है। पहला आप स्विच ऑन करते हैं तो इसका DRL बार, जो LED लाइट बार है, वो ऑन हो जाता है, थोड़ी सी इल्यूमिनेशन है, और इंटीरियर के स्विचेस आपके लाइट अप हो जाएंगे पहली लाइट ऑन करने के बाद। सेकेंड आप ऑन करेंगे तो LED का थ्रो कुछ इस तरह है, ये इस टाइम पे लो बीम है, ये हाई बीम है, तो थ्रो तो काफ़ी अच्छा है, ऑफकोर्स LED है, परफॉर्मेंस अच्छी ही रहेगी उसकी। फॉग लैम्प्स अवेलेबल नहीं है। एक नीट टच जो मेरे को बहुत ज़्यादा लगा वो है कि अगर आपकी हेडलाइट्स ऑन है तो यहाँ पे आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, यहाँ पे जो MG कॉमेट बनी हुई है उसमें भी लाइट्स ऑन दिखाएगा, तो ये रियल टाइम है। आप जैसे इंडिकेटर देंगे तो ये इंडिकेटर भी दिखाता है, और हेडलाइट्स अगर आप ऑफ करते हैं तो सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं। आप ब्रेक पेडल पे ब्रेक दबाएंगे तो इसमें ब्रेक्स एक्टिवेट हो जाएगी, इस गाड़ी की लाइट्स, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा नीट टच लगा।
एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है इसकी इंटीरियर की फ़िट एंड फिनिश क्वालिटी। तो आप कहीं पे भी चेक करेंगे तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। मैं बोलूँगा आपको 8-10 लाख रुपए जस्टिफाई होंगे। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये हल्का है कुछ भी। डैशबोर्ड वगैरह देखा जाए तो सॉफ्ट टच मटेरियल ज़्यादा नहीं है, ऑफकोर्स हार्ड टच प्लास्टिक से हर जगह, लेकिन फिर भी फिट एंड फिनिश, बटन वगैरह का टैक्टाइल फीडबैक वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे तरह से दिया गया है। यहाँ तक कि आपके ये जो डोर हैंडल्स हैं अंदर वाली साइड के, इंटीरियर डोर हैंडल्स, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। डोर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा वाइड डोर है, आप देख सकते हैं शीशा कितना बड़ा है इसका। तो एयरी फीलिंग के अलावा जो आपका हेल्प करता है वो है ये, आपको हैवीनेस फील होती है इस गाड़ी की, खोलने में थोड़ा सा हेफ लगता है। तो गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो डोर बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में एक्सेस करना डोर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मेरा कहना यह है कि गाड़ी आपको कहीं पर भी साइज़ के हिसाब से आपको कभी अनसेफ फील नहीं होगी। गाड़ी हर जगह से मेरे हिसाब से मटेरियल्स वगैरह बहुत ही अच्छे यूज़ करे गए हैं। 8-10 लाख यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है। तो मैं इसका चार्जिंग का आपको टाइम वगैरह ड्यूरेशन बताना भूल गया, लेकिन वो मैं ऐड कर देता हूँ। कल मैंने इसको एक पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज किया, मेरे को वहाँ पर 1 kWh चार्ज करने में इस गाड़ी का मेरे को लगभग 22 मिनट लगे। अब आप लगा लीजिए एवरेज 1 kWh आप चार्ज कर रहे हैं तो इस गाड़ी की बैटरी जो है वो है 17.3 kWh की, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा। इसके अलावा 18 रुपये मेरे को बाहर लगे 1 kWh चार्ज करने के लिए। तो उस हिसाब से अगर आप इसे बाहर चार्ज करते हैं तो वो नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन पर ही आप चार्ज करें। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे आप पावर जो मतलब हाई वोल्टेज वाला चार्जर है या फिर फास्ट चार्जर है वहाँ पे आप इसे चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी इसमें है ही नहीं। तो थोड़ा सा रेंज ऐड करने के लिए आप इसे कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी आपको अपने घर पे ही चार्ज करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। तो अब बारी है ड्राइविंग की, ज़रा ड्राइविंग की बात कर लेते हैं। तो मैंने इसे डाल दिया है डी मोड में। थोड़ा सा लैग है इस गेयरबॉक्स में देखा जाए तो, आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक है, राइड बाय वायर होगा इसमें, तो थोड़ा सा लैग आपको स्टार्टिंग में आएगा। आप मैंने इसे ड्राइव में डाल दिया, यहीं से आप न्यूट्रल और रिवर्स में डालेंगे इसे। सीट बेल्ट थोड़ा सा एक्सेस करना, इसका भी प्रॉब्लम है, सीट बेल्ट बहुत पीछे दी गई है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लूप दिया गया जिसमें से सीट बेल्ट निकल रही है। तो सीट बेल्ट हमने पहन लिया और नाउ वी आर रेडी टू गो। तो अगर आप रेंज देखेंगे यहाँ पे 65% दिखा रहा है और 130 किलोमीटर की रेंज है अभी, परसेंटेज स्टेट ऑफ चार्ज 65% है। तो लगभग 1% में 2 किलोमीटर की रेंज ही एस्टिमेट कर रहा है। और अगर मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जितनी ये रेंज क्लेम कर रहा है उतनी ऑलमोस्ट दे भी रहा है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को क्या लगा कि मैं इसे अपने घर पर चार्ज नहीं कर पाया, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ तो फर्स्ट फ्लोर से मैं चार्जर नहीं लगवा पाया, एक्सटेंशन वगैरह भी नहीं लगवा पाया, क्योंकि मेरा घर पुराना है थोड़ा, उसमें अर्थिंग नहीं हो रखी वायर्स वगैरह की। तो मेरे लिए तो ये ईवी कोई सेंस बनती नहीं है लेना। बाहर से जितना मैंने इसे चार्ज किया मैं इसको पूरा 100% तक चार्ज कर ही नहीं पाया, मैं जहाँ भी गया लिमिटेड टाइम के लिए गया। तो कल मैंने इसे चार्ज किया था एक पब्लिक ईवी चार्जर पे, इलेक्ट्रिवा कंपनी का ईवी चार्जर था, वहाँ मैंने इसे लगभग 4 kWh इसमें बैटरी रिचार्ज कर दिया था। ओवरऑल चार्जिंग टाइम जो कंपनी क्लेम करती है वो लगभग 7 घंटे है फुल चार्ज 0 to 100। तो अगर देखा जाए तो 0 to 100 के लिए 7 घंटे आपको ओवरनाइट चार्जिंग ही करनी पड़ेगी। बाहर आप 7 घंटे तो मेरे हिसाब से नहीं चार्ज कर सकते इसको, कोई सेंस नहीं बनती उसकी, प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल साइज़ की बात करूं तो ड्राइवेबिलिटी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, परफेक्ट सिटी कार बन जाती है ये, क्योंकि इतना कम इसका टर्निंग रेडियस है, आप इसे कहीं भी ईजिली बहुत ही मोड़ सकते हैं, आप कहीं भी बहुत टाइट स्पॉट में भी पार्क कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेयरिंग व्हील बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो मैंने इसे थोड़ा सा अपने एक्सेस से आगे इसको पूरा घुमा दिया। बहुत इजी टू मैनूवर है ये गाड़ी, छोटा साइज़ है, लेंथ बहुत कम है। मैं आपको एक बार इसकी ग्रेडेबिलिटी भी दिखा देता हूँ। इको मोड पर है अभी ये, ईजिली यहाँ चढ़ गई, अब ये इको मोड पे मैंने थोड़ा सा इसे पुश किया है। तो इको मोड की जहाँ तक मैं बात करूँ तो टॉप स्पीड इसकी इको मैंने जितनी नोट करी थी वो थी अराउंड 84
के आसपास, 84 km/h के आसपास इसकी टॉप स्पीड थी इको मोड में। यही आप अगर जाते हैं, इसको आप डाल देते हैं स्पोर्ट्स मोड में, तो स्पोर्ट्स मोड में इसकी स्पीड लगभग बढ़ जाती है 106 km/h के आसपास। तो टॉप स्पीड में उतनी ही कर पाया, उससे ज़्यादा करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इसके जो टायर्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं। तो जब आप इतनी हाई स्पीड पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा बॉडी रोल बढ़ जाता है, 100 से ऊपर अगर आप इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं तो बॉडी रोल आपको ऑफकोर्स फील होगा, आपको स्टेबिलिटी थोड़ी कम फील होगी, और राइट लेफ्ट करते हुए आपको थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि देखा जाए तो टायर्स छोटे हैं, टॉप थोड़ा हैवी हो जाता है। हालांकि बैटरी नीचे पैक्ड है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी नीचे है, लेकिन तब भी टॉप हैवी है, बहुत टॉल व्हीकल है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप इतने हाई स्पीड पर इसे ड्राइव करें। सिटी के लिए, ड्राइविंग के लिए देखा जाए तो ये कार काफ़ी स्मूथ रहेगी आपके लिए, इलेक्ट्रिक है, ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह भी नहीं है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो सस्पेंशन सेटअप इसका काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ा सा आप कोई बड़ा आपका स्पीड ब्रेकर वगैरह आ जाएगा, या कहीं आप थोड़ा सा क्लाइंब कर रहे हैं तो सस्पेंशन थोड़ी सी आवाज़ करता है, जो कि नई गाड़ी में नहीं करना चाहिए। सिर्फ 6,500 गाड़ी चली है ये, तो ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एक मेरे को और बॉदर करने वाली चीज़ जो लगी वो थी इसकी सीट, अगर आप सुन सकते हैं तो जैसे ही थोड़ी सी रोड ख़राब होती है इसमें स्क्वीकिंग नॉइज़ आनी शुरू हो जाती है इसकी सीट में, वो एक मेरे को चीज़ ख़राब लगी। दूसरी चीज़ इसकी रीजनरेशन मोड, एक दिन मैं ड्राइव कर रहा था इसे और मैंने अपना रीजनरेशन सेट कर रखा था इको पे, सॉरी रीजनरेशन सेट कर रखा था हैवी पे, तो अब जो इसका रीजनरेशन है वो आप आईसीई कार से कंपेयर करें तो इंजन ब्रेकिंग जैसी ही फील देता है आपको। तो जब मैंने उसे हैवी पे कर रखा था तो मैं एक्सेलरेटर पेडल से जब पैर हटा रहा था तो वो एक ब्रेकिंग इफेक्ट दे रहा था। फ़र्क इतना है कि ईवी में वो ब्रेकिंग इफेक्ट आपके लिए एनर्जी रिप्रोड्यूस कर देता है, थोड़ी सी रेंज ऐड कर देता है। तो वो मैंने हैवी पे करके मेरी ड्राइविंग हैबिट बन चुकी थी, मैं ड्राइव उसे कर रहा था काफ़ी देर से, तो मेरे को आदत बन चुकी थी कितना रेस छोड़ना है तो कितनी जल्दी कितनी देर में ब्रेक लगेगा। तो वो जब मैं वापस आ रहा था, मैं एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था और ओवरटेक करते करते उस गाड़ी ने ब्रेक मार दी आगे वाली ने। तो जैसे ही मैंने ब्रेक अपना एक्सेलरेटर पेडल से पैर हटाया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो इसकी रीजनरेशन ब्रेकिंग है वो अपने आप काम में आएगी और वो उसको धीरे कर देगी, लेकिन फॉर सम रीज़न उसमें मैल फंक्शन हो गया। यहाँ पे स्क्रीन में कहीं भी लिखा नहीं आया, कुछ भी कहीं पे भी लिखा नहीं आया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, ब्रेक नहीं लगी। तो मैंने इस ब्रेक पेडल पे एकदम से पैर दबाया, ऑफकोर्स मैं इतनी सेफ डिस्टेंस में चला रहा था कि मैं ब्रेक मार पाया गाड़ी के सेफली डिस्टेंस में, मतलब मैं ब्रेक मार पाया, लेकिन वो रीजनरेशन मोड उस टाइम के लिए काम करना बंद कर गया। तो मैं थोड़ी देर तक आगे चलाता रहा और मैंने उसे देखा कि वो मोड ऑन नहीं है। सेटिंग्स में जाने पे मैं गया तो मोड एक्टिवेटेड दिखा रहा था हैवी, लेकिन यहाँ पे नहीं काम कर रहा था, ब्रेक नहीं लग रही थी ऑटोमेटिकली, रीजनरेटिव ब्रेक नहीं लग रही थी। थोड़ी देर आगे जाके मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीरे करी तो अपने आप वो थोड़ी देर बाद एक्टिवेट हो गया। तो ये मैं 2 बार नोटिस कर चुका हूँ कि ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है, आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा, आपको सेटिंग्स में नहीं दिखाएगा कि वो डीएक्टिवेटेड है, बट वो डीएक्टिवेट हो चुका होता है। अब मैं इसका यूज़ के सिनेरियो की अगर बात करूँ तो 180 किलोमीटर के आसपास आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, ये फुल रेंज पे आपको, फुल चार्ज पे आपको रेंज देगी, 180 से 200 के 200 भी दे सकती है, बट अगर हम थोड़ा इसको रियलिस्टिक रखें तो 180 किलोमीटर्स। तो 180 किलोमीटर्स अगर किसी की ड्राइविंग थोड़ी ज़्यादा नहीं है दिन की, आपको ज़्यादा लॉन्ग रन नहीं करने हैं, आपको सिटी ड्राइविंग ही करनी है, तो 180 किलोमीटर्स साउंड्स मोर देन इनफ। अगर आपके पास घर पे चार्जिंग अवेलेबल है, आप इजीली पार्क करके कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं, घर में अपने पार्किंग है आपके पास, या फिर आप सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे चार्जर अवेलेबल है, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। इस ओ माय गॉड सॉरी, दैट वाज अ न्यू रेंज रोवर वोग। चार्जिंग आपके लिए तभी ईजी रहेगी अगर आपके पास घर पर एक्सेस है उस चार्जिंग का। तो इस गाड़ी की एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, अटेंशन ग्रैबिंग है ये, लोग मुड़ मुड़ के तो ज़रूर देखते हैं, क्योंकि गाड़ी का डिज़ाइन थोड़ा ऑड कह सकते हैं या यूनिक कह सकते हैं, दोनों हैं, तो लोग मुड़ के देखते हैं, आपको अटेंशन बहुत मिलेगी इस गाड़ी में। बट इसका यूज़ केस सिनेरियो यही रहेगा, कोई ओल्ड एज कपल हैं या फिर एजड कपल हैं, उनके आगे बच्चे नहीं हैं, या फिर बच्चे मतलब अलग रहते हैं उनके बच्चे, तो उस केस में आपके लिए ये गाड़ी अच्छी रहेगी, टू व्हीलर का इसको रिप्लेसमेंट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि टू व्हीलर ऑफकोर्स सेफ नहीं होता, आपको गियर वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, आप ओल्ड एज में हैं तो टू व्हीलर आप ऐसे चलाते हुए डरेंगे थोड़ा, उनके जो बच्चे होंगे वो भी थोड़ा डरेंगे टू व्हीलर पे अपने, उनके अगर फादर या मदर राइड कर रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए ये परफेक्ट
टू व्हीलर रिप्लेसमेंट है, थोड़ा महंगा है, हाँ मैं कहूँगा 8-10 लाख का टू व्हीलर रिप्लेसमेंट सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में लग नहीं रहा कि कोई सेंस बनती है, बट यही इसका एक्चुअल यूज़ केस सिनेरियो है। इसके अलावा जो मेरे को यूज़ केस सिनेरियो अब तक लगा वो है, अगर आप एक न्यू कपल हैं या फिर आपका एक स्मॉल बेबी है और आपको सिटी ड्राइविंग के लिए एक गाड़ी चाहिए, आपकी सेकंड कार, सपोज़ आपकी वाइफ चला रही है या फिर आप चला रहे हैं, आपकी सेकंड या फिर थर्ड कार, तब उस केस में इस गाड़ी की थोड़ी सेंस बनती है कि आप सिटी के लिए कहीं पे भी शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हैं, आप एयरपोर्ट रन्स कर रहे हैं, आप किसी ऐसी गलियों में जा रहे हैं, आपका मार्केट्स वगैरह में जा रहे हैं, तो आप उस सिनेरियो में इस गाड़ी को ले सकते हैं। उसके अलावा इसका यूज़ केस मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहा। इसी रेंज में आपको टियागो ईवी सित्रों की EC3 भी मिल जाती है, तो उनका यूज़ केस थोड़ा मेरे हिसाब से बेटर है। मैं इसका टर्निंग रेडियस आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहीं पे यू टर्न कर लेते हैं हम एक बार, इतना ये घूम गई। जैसा कि आपने देखा बहुत ही इजीली मैंने इसका यू टर्न कर लिया। तो ओल्ड एज लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आप अगर रिटायर्ड हैं, आप 60+ हैं, 50+ भी हैं मैं कहता हूँ, तो आप इस गाड़ी को चलाने में इंजॉय करेंगे। इसके अलावा इंजॉय करने वाली इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, इलेक्ट्रिक है, स्पोर्ट्स मोड में डाल के अगर मैं बात करूँ तो पिकअप काफ़ी अच्छा है, पावर काफ़ी मोर देन इनफ है, बट वही है कि आपको रेंज पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, उस चीज़ के लिए ये गाड़ी बनी नहीं है। हालांकि कर सकती है ये गाड़ी वो भी, बट आई वुड सजेस्ट दैट दिस इज़ प्राइमरीली फॉर सिडेट ड्राइविंग ओनली। अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो सीट्स भी देखा जाए इतनी कंफर्टेबल खास है नहीं, कुशनिंग वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे भी आपको साइड पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो पीछे भी सपोर्ट नहीं है, तो सीट्स थोड़ी सी मैं कहूँगा आपको फीलिंग ऐसा देते हैं कि आप गाड़ी के ऊपर बैठे हैं ना कि गाड़ी के अंदर बैठे हैं। तो मैं पर्सनली एक प्रीमियम हैचबैक ड्राइव करता हूँ, i20, तो उसकी जो सीट्स हैं मेरे को उससे इसमें जंप करने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। उसमें मैं बैठता हूँ कि मेरे को गाड़ी अच्छी तरह अंदर कंफर्टेबली बिठा रही है, लेकिन इसमें आपको ऐसा लगता है कि आप ऊपर ही बैठे हैं, तो वो लॉन्ग जर्नीज पे अगेन वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, आपको इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर मी ऑन दिस MG कॉमेट EV। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।